हे गाइस, कैसे हैं आप? तो मुझे पता है आप इधर अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली, क्योंकि आज मैं तुमको ना पबजी मोबाइल की एक जो रिकॉइल गाइड है ना, वो बताने वाला हूँ। तो यार तुम्हें वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी अगर तुम चैनल पर हो ना, जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। और आज की वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम्हें यार कंपेसेटर, सप्रेसर या फ्लैश हेडर, इन तीनों में से कौन सा यूज़ करना है। मतलब कि यार स्नाइपर रहो कि एयर रहो, तुम्हें ना दोनों में से कौन सा है ना बेस्ट है उनमें यूज़ करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस मैं इतना ही बताने वाला हूँ। तो यार वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। तो यार हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं एमके से, और एमके में हम सबसे पहले लगाते हैं कंपेसेटर, जो कि तुम्हारा फेवरेट है। मतलब जैसे मैं कंपेसेटर लगाता हूँ, तुम्हें दिख रहा होगा कि मेरी गन से छोटी एक फ्लैश निकल रही है, जिससे कि यार मेरी गन जो है ना वो एकदम इजीली स्पॉट हो रही है। अब उसकी जगह जब मैं ना फ्लैश हेडर लगाता हूँ ना, अब तुम देखो, और जैसे मैंने फ्लैश हेडर लगाया ना, तुम देख सकते हो मेरी गन से ना कोई भी ना फ्लैश चमक नहीं रहा है। मतलब कि मेरी गन इजीली स्पॉट नहीं हो सकती। और उसकी जगह अगर मैंने सप्रेसर लगाया तो अब मेरा जो साउंड है वो भी है ना, मतलब कि अब मेरा मार्क भी नहीं आएगा और ना ही मैं मेरा फ्लैश चमक रहा है तो मैं स्पॉट भी नहीं होऊंगा। अब तुम है ना बोलोगे कि M4 का स्प्रे, तो अब तुम देखो, अब मैंने M4 में सप्रेसर लगा के रखा है। अब तुम देखो स्प्रे, माना कि स्प्रे इतना कंट्रोल नहीं होता लेकिन काफ़ी हद तक हो जाता है। फ्लैश हेडर लगा दें, फ्लैश हेडर से ना कंपेसेटर के जितना तो रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन यार बहुत हद तक है ना हो जाता है। अब जैसे कि अगर मैं घास में छुपा हूँ ना, तो मैं सबसे पहले M4 में लगाता हूँ कंपेसेटर। अब तुम देखो, अब तुम्हें थोड़ा सा फ्लैश नज़र आ रहा होगा। तुम देखो थोड़ा सा तुम्हारे घास में फ्लैश नज़र आ रहा होगा, मतलब कि यार अगर तुम घास में सो जाओगे ना, तुम इजीली इससे स्पॉट हो सकते हो। और अब मैं लगाता हूँ फ्लैश हेडर, तुम देख सकते हो मेरे गन से ना एक भी फ्लैश निकल नहीं रहा है, मतलब कि मैं स्पॉट नहीं हो रहा हूँ। और अब मैंने सप्रेसर लगाया ना, तो अब मैं ना फायर भी करूँगा ना, तो मेरा मैप में निशान भी नहीं आएगा और ना ही है ना उन बंदों को पता चलेगा मैं कहाँ से मार रहा हूँ। तो यार बाकी यार यही थी आज की वीडियो। तो यार मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि देखो जैसे कि तुमने MK में भी है ना कंपेसेटर लगाया ना, तो तुम्हें फ्लैश नज़र आ रहा होगा, और उसकी जगह अगर है ना फ्लैश हेडर लगाए तो अब फ्लैश नज़र नहीं आ रहा है। और या फिर उसकी जगह है ना सप्रेसर लगाया जाए तो फ्लैश के साथ साउंड भी है ना एकदम रिड्यूस हो जाती है। तो यार मैं तुम्हें यही बताना चाहता हूँ कि तुम है ना कंपेसेटर क्यों यूज़ करते हो, जबकि है ना रिकॉइल फ्लैश हेडर से है ना इजीली कंट्रोल हो सकता है। क्यों ही तुम बीच में उंगली करते हो, तुम अच्छे से फ्लैश हेडर से ना इजीली रिकॉइल कर सकते हो कंट्रोल, और इजीली है ना तुम बंदों को मार भी सकते हो। मतलब कि कंपेसेटर जितना तो रिकॉइल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन तब भी तुम इजीली उनको बंदों को मार सकते हो। तो अगर तुम मेरी चॉइस सुनोगे ना, तुम क्या किया करो, तुम है ना कंपेसेटर, अगर तुम्हारा स्प्रे है ना संभालता ही नहीं, अब बहुत बंदे बोल रहे होंगे भाई कंपेसेटर से तो मुश्किल से संभालता है, फ्लैश हेडर लगाने के बाद क्या ही संभलेगा। तो यार उनके लिए मैं एक टिप बताता हूँ, तुम क्या किया करो, तुम हमेशा है ना कंपेसेटर और सप्रेसर दोनों एक साथ रखा करो। मतलब कि यार जैसे है ना बंदे क्लोज रेंज में आ जाएगा ना, तो तुम इजीली है ना सप्रेसर लगा सकते हो, और जैसे बंदे दूर है ना तुम इजीली ना कंपेसेटर लगा सकते हो, तुम है ना स्प्रे दे सकते हो, और जैसे बंदा क्लोज रेंज में है ना तुम सप्रेसर लगा लिया करो। तो इससे क्या होगा, तुम्हें अच्छा सा है ना कवर मिल जाता है। मतलब कि यार अगर तुम घास में छुपे होंगे ना, तुम अगर सप्रेसर यूज़ करते हो, तुम इजीली स्पॉट नहीं होंगे, स्पॉट ही नहीं होंगे, क्योंकि यार उससे मार्क भी नहीं आएगा और ना ही है ना किसी को पता चलेगा कि तुम कहाँ से मार रहे हो, क्योंकि गन का फ्लैश भी नहीं आता। तो यार बस ये थी आज की वीडियो। बाकी यार तुम्हें आज की वीडियो अच्छी लगी ना, जल्दी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलूँगा तुमसे अगली वीडियो में ऐसी नई ट्रिक या टिप्स के साथ। तब तक के लिए अलविदा।